ये कंप्यूटर है, ये आपका लेसन वन कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन। कंप्यूटर बहुत लाभदायक मशीन है। इट इज़ यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसे हर जगह यूज किया जाता है, सच एज इन स्कूल्स, जैसे स्कूल्स में, घरों पे, शॉप्स पे, ऑफिस में, बैंक में, हॉस्पिटल्स में। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। अ कंप्यूटर हैज़ सम वंडरफुल फीचर्स। कंप्यूटर के कुछ अच्छे फीचर्स होते हैं दैट मेक्स इट स्मार्टर देन ह्यूमन बींग, जिससे कि ये मनुष्य से भी ज़्यादा स्मार्ट है। लेट अस नो अबाउट ईच फीचर वन बाय वन। हमें हर एक फीचर के बारे में जानना चाहिए। जैसे कंप्यूटर वर्सेस मैन, आदमी और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। पहले स्टोरेज। अ कंप्यूटर स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट्स इट। कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों को सीख लेता है और कभी नहीं भूलता है। अ मैन में फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज माइंड। लेकिन जो हमारे माइंड में होता है आदमी तो भूल जाता है। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर बहुत तेज़ काम करता है और एक समय में कई काम कर सकता है। अ मैन नीड्स मोर टाइम टू डू एनी वर्क एज कम्पेयर टू अ कंप्यूटर। एक आदमी को बहुत ज़्यादा समय चाहिए कंप्यूटर की तुलना में काम करने के लिए। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब कितना सही। कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। कंप्यूटर के काम में कभी गलती नहीं होती। अ मैन कैन मेक मिस्टेक्स। आदमी गलतियाँ कर सकता है। वर्क प्रोसेस। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। कभी टायर्ड मतलब थकना। कभी कंप्यूटर थकता नहीं है एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स और बहुत लंबे घंटों तक काम कर सकता है। अ मैन नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। आदमी को आराम चाहिए होता है कुछ समय काम करने के बाद। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजंस। लेकिन कंप्यूटर के पास क्या कमी है, कंप्यूटर अपने डिसीजन नहीं ले सकता। अ मैन कैन टेक हिज ऑन डिसीजन। आदमी अपने डिसीजन खुद लेता है। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन मैन ऑर्डर। कंप्यूटर को काम करने के लिए आदमी की ऑर्डर की ज़रूरत होती है। अ मैन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क। आदमी को किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, जैसे उसको दर्द नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा। तो ये कहे इफ़ यू हिट अ मॉनिटर, अगर आप मॉनिटर में मारेंगे इट डज नॉट रिएक्ट, ये कोई रिएक्ट नहीं करेगा। अ मैन हैज़ फीलिंग्स। मैन के पास फीलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गेट हर्ट यू फील, अगर तुम्हें चोट लग जाएगी तो तुम महसूस करोगे, चाहे रोओगे चाहे कुछ भी करोगे।